तो निश्चित तौर पर आप हमारे मुख्यमंत्री जी के साथ आइए, उनको साथ दीजिए। और रही बात रामनवमी की, तो रामनवमी में कोई विवाद नहीं, विवाद ये लोग कराता है। अभी हमारे साथी जो चले गए मनीष जायसवाल, इनके पिताजी कांग्रेसी थे, पहले पूरा सेकुलर परिवार था, जब से भाजपा में गए तब से लड़ने का काम ये लोग कर रहे हैं। हजारीबाग की घटना किसको नहीं पता है, कोई ऐसा रामनवमी नहीं है जब इन लोगों ने दंगा नहीं करवाया। वहाँ अल्पसंख्यक, वहाँ हिंदू भाई, सब लोग मिलजुल के रामनवमी निकालते हैं, लेकिन ये लोग नहीं चाहते। और आज जब रघुवर दास की सरकार थी, यही मनीष जायसवाल ने रूट को बदल दिया और दंगा करवाने का काम किया। आज कौन मरा? इनके परिवार के बच्चे नहीं मरे, हमारे अल्पसंख्यक बच्चे मरे, हमारे हिंदू भाई के बच्चे मरे। और आज बात करते हैं, अगर हम लोग, हमारी सरकार चाह रही कि नहीं हम लोग एक सौहार्दपूर्वक वातावरण में हम रामनवमी भी मनाएं, मोहर्रम भी मनाएं, तो इनको कुछ भी हो रहा है। और रही बात की लाउड स्पीकर की, तो निश्चित तौर पर ये सरकार ने नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया है। इनको जानकारी होनी चाहिए, इनकी जानकारी का अभाव है। अब ये सरकार पर जो हमारे युवाओं के प्रति गलत मैसेज दे रहे हैं, सदन में भी बोल रहे हैं और बाहर भी बोल रहे हैं, तो मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, कोर्ट से बाहर किसी को नहीं जाना चाहिए। कोर्ट का आदेश का पालन हमारी सरकार करेगी। और रामनवमी भी हम चाहते हैं, मैं तो मनीष जायसवाल को चुनौती देता हूँ, आप आइए मेरे जामतला में, देखिए इरफान अंसारी कितना हनुमान मंदिर बनाया है, रामनवमी किस तरह से हम स्वागत करते हैं, जितनी बारात को हम किस तरह से स्वागत करते हैं। आपको भी ये परंपरा अपनानी चाहिए, आपको भी हमको हजारीबाग में बुलाना चाहिए, ताकि राजनीतिक अलग मुद्दा है, धर्म जो है सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। और इरफान अंसारी को बुलाइए, क्या दिक्कत है आपको? क्या कहा मैंने? नहीं देखिए, अब मैं तो इतना जरूर कहूँगा कि देखिए, डीजे बिंग डॉक्टर आप बताइए, अगर एक सेकेंड डीजे नहीं, मैं अंबा कांग्रेसी विधायक, डीजे अगर आपके घर के पास जाता है तब बताइए, अगर कोई एजेड व्यक्ति है उसकी आसपास क्रॉस करेगा तो बताइए वो व्यक्ति बचेगा? हार्ट बीट नहीं रुकेगा? इस तरह के वॉल्यूम से आप बचाते हैं, तो कहीं ना कहीं मैं मेडिकेटेड में बता रहा हूँ कि जब सुप्रीम कोर्ट ने सोच के ही रोक लगाया, तो इसलिए रोक लगाना किसी की भावनाओं से खेलना नहीं है हमारी सरकार। हमारे बड़े भाई इरफान भाई हैं उधर, वो भी अभी भाग गए कि इस बात को बताने से कि स्थानीय झारखंड में है कौन, सरकार ने परिभाषित नहीं किया है। ये सारा ड्रामा सरकार जो है लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए कर रही है। जैसे 5 लाख नौकरी का वादा भ्रम था, जैसे स्टाइपेंड देने का वादा भ्रम था कि अगर हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, जैसे वो खराब था, उसी प्रकार से ये भी इनका एक धोखा है, छलावा है। देखिए रामनवमी को लेकर के ये सरकार जो है दोहरी नीति पर चलती है। ये सरकार अल्पसंख्यकों का पैर पकड़ करके अपना वोट प्राप्त करने का काम करती है। अब इरफान भाई ज्यादा अच्छे से बताएंगे इस बात को, शायद भाग भी गए, वो ज्यादा बढ़िया से बताएंगे। लेकिन अगर हिंदू धर्म का विषय रहेगा, हिंदू धर्म का विषय रहेगा तो ये सरकार दमन का काम करेगी। मुझे आपको ये बताना चाहिए, सरकार को ये भी बात बताना चाहिए, हम तो एक ही बात जानते हैं कि जो राम का नहीं है वो इस राज्य में किसी काम का नहीं है, तो जो राम का भक्त नहीं है वो किसी काम का नहीं है, हम तो इतना ही बस जानते हैं। बात बाकी कोई ये बताए कि क्या इस राज्य में झारखंड क्या अफगानिस्तान का हिस्सा है हजारीबाग, कि वहां पर डीजे नहीं बजेगा? कांग्रेस परिवार से अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो सबसे पहले वहां पर आपको बैठ के बात करनी चाहिए लोकल रिप्रेजेंटेटिव से, रामनवमी महासमिति से, अखाड़ों के लोगों से बात करके कोई निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए। मैंने सरकार को सलाह दिया है कि सरकार को इसमें इंटरवीन करना चाहिए। ये बात सही है कि डीजे का पिच बहुत ज़्यादा होता है, उससे कुछ लोगों को डिस्टर्बेंस होता है, ये बात सही है, मैं स्वीकार करता हूँ उस बात को, लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है कि आप उसको बंद कर देंगे। रोड में एक्सीडेंट होता है
आप रोड बंद कर दीजिए, चूंकि एक्सीडेंट हो रहा है भाई रोड में चलने का जरूरत नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप उसका मेजर्स लेते हैं। इसी तरीके से इनको ये मेजर्स लेना चाहिए कि भाई डीजे में कितना बॉक्सेस लगेंगे, कितना पिच पे आवाज बनेगा, इस चीजों को इनको डिफाइन करके, जो रामनवमी का जो पुराना वैभव है, 104 साल पुराना हमारा इतिहास है, ये हमारा हेरिटेज है, ये हमारा कल्चर है, ये हमारी पहचान है। रामनवमी हजारीबाग की पहचान है, और जो कोई व्यक्ति भी इसको नष्ट करने का कोशिश करेगा, इसमें अवरोध पैदा करने की कोशिश करेगा, 2024 में प्रभु श्री राम का मार उस पर पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।